हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पास्ट सिंपल टेंस के बारे में सीखेंगे और पास्ट सिंपल टेंस से हमें यह पता चलता है कि कोई भी काम बीते हुए समय में हो चुका होता है पर कब हुआ निश्चित नहीं होता। दैट मीन्स वी टॉक अबाउट द एक्शन दैट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस इन द पास्ट बट देन वी डू नॉट नो व्हेन इट हैज टेकन। So, in past simple tense, वाक्य के अंत में गया, गई, लिया, लाई, आया, आई, खाया, पिया, मिला, मिली पाया जाता है। एग्जाम्पल यहां पर मैंने खाना खाया, कब खाया नहीं पता, लेकिन मैंने खाना खाया और यह एक्शन बीत चुका है। वह पानी पिया कब पिया, 1 बजे 2 बजे सुबह नहीं पता, लेकिन वह पानी पिया। वह उससे मिली, कब मिली ये तो नहीं पता, निश्चित नहीं है, लेकिन वह मिली। तो पास्ट सिंपल टेंस का पहचान हम लोग ये एनी वर्ड से करते हैं, मतलब वाक्य के अंत में अगर गया, गई, खाया, पिया, लाया तो उसे पता चलता है कि वह पास्ट सिंपल टेंस के वाक्य हैं। सो इन सिंपल पास्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विल बी सब्जेक्ट, देन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सो हियर आई हैव फ्यू वर्ब्स, यहां पे क्या है, कुछ क्रियाएं हैं। So, sing का मतलब क्या होता है, गीत गाना या गाना गाना। So, sing, sang, sung, singing. So, sang here is second form of the verb, क्रिया का दूसरा रूप, sung is third form of the verb and singing is fourth form of the verb. And second one play, play का मतलब होता है खेलना। So, play क्रिया का पहला रूप है, प्ले क्रिया का दूसरा रूप है, प्ले क्रिया का तीसरा रूप है और प्ले क्रिया का चौथा रूप है। उसी प्रकार ईट का अर्थ का है खाना, एट क्रिया का दूसरा रूप है, ईटन क्रिया का तीसरा रूप है और ईटिंग क्रिया का चौथा रूप है। राइट का मतलब होता है लिखना, रोट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड राइटिंग इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड गो का मतलब होता है जाना, वेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, गोन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड गोइंग इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो इन पास्ट सिंपल टेंस the formula of the structure of the sentence will be subject, then second form of the verb and then object. That means this form of the verb we have to use after the subject. So now let's see in a sentences. Now let's see the structure of a sentence. So in simple past tense, the structure of a sentence will be in affirmative sentence or positive sentence, the structure will be subject, then second form of the verb and then object. Then in negative sentence, nakaratmak vakya mein the structure will be subject, then helping verb did used, then kriya ka pahla roop and then object. So remember in affirmative sentence kriya ka dusra roop is used, whereas in negative sentence जब हम लोग नकारात्मक सेंटेंस बनाते हैं तब हम लोग क्रिया का पहला रूप यूज करते हैं, दूसरा रूप यूज नहीं करते, ये चीज दिमाग में बना लेना। जब हम लोग डिड का यूज करते हैं तब क्रिया का दूसरा रूप नहीं बल्कि क्रिया का पहला रूप लिखते हैं। देन इन ए क्वेश्चन सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य में द स्ट्रक्चर विल बी पहले डिड हेल्पिंग वर्ब विल कम, उसके बाद सब्जेक्ट,
उसके बाद क्रिया का पावर रूप एंड देन ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम लोग ये तीनों स्ट्रक्चर सेंटेंस में यूज करते हैं। नाउ लेट अस सी एग्जांपल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। एन अफर्मेटिव सेंटेंस ए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड एंड देन ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट वन आई साइन ए सॉन्ग। I sang a song. So I क्या है? I subject है. Sang क्रिया का दूसरा रूप है. A song क्या है? Object. इसका मतलब होता है मैंने एक गाना गाया और एक गीत गाया. I sang a song. Second example हम देखेंगे. You play cricket. You play cricket. So you subject है, play भी you है, क्रिया का दूसरा रूप और cricket object है। तुम cricket खेला और तुमने cricket खेला। Third one, Minnie wrote a letter. So, Minnie is the subject, wrote भी you, a letter is the object. इसका मतलब होता है Minnie एक पत्र लिखी और चिट्ठी लिखी। He kicked me. वह मुझे लात मारा। We ate rice. We subject है, ate second form of the verb है और rice object है। मतलब हमने खाना खाया। They went to market. वे बाजार गए। So this is the affirmative sentence structure. How you can use सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नकारात्मक सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो जब हम लोग नकारात्मक और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इन सिंपल पास्ट टेंस में, तब हम लोग सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं और क्रिया का पहला रूप एंड ऑब्जेक्ट। तो ये दिमाग में रखना है, सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लोग डिड का यूज करते हैं और जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं तब हम लोग क्रिया का पहला रूप यूज करते हैं, दूसरा रूप यूज नहीं करते। तो चलिए सेंटेंस में देखते हैं। आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। मैंने एक गाना नहीं गाया। सो यस सब्जेक्ट इज देयर, डिड हेल्पिंग वर्ब इज देयर, देन नकारात्मक सेंटेंस वी हैव यूज नॉट, देन दिस इज क्रिया का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट नहीं खेला और खेले। नेक्स्ट वन मिनी डिड नॉट राइट अ लेटर। सो डिड इज यूज, सो वी हैव यूज हियर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। मिनी एक चिट्ठी नहीं लिखी। ही डिड नॉट कीप मी। सो ही द सब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट नकारात्मक। किक मी, किक हियर इज यूज एज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। सो उसने मुझे लात नहीं मारा। वी डिड नॉट ईट राइस। हम लोग खाना नहीं खाए। दे डिड नॉट गो टू मार्केट। वे मार्केट नहीं गए। सो हियर यू हैव टू रिमेंबर इन दैट सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं, डिड, और नकारात्मक के लिए नॉट का यूज करते हैं और हम लोग इसमें क्रिया का पहला रूप यूज करते हैं, दूसरा रूप यूज नहीं करते हैं। सो नेगेटिव सेंटेंस बनाने समय हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और क्रिया का पहला रूप यूज करते हैं, तब सेंटेंस सही हो। अगर दूसरा रूप यूज करेंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। सो आप लोग को याद करना है डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद क्रिया का पहला रूप यूज किया जाता है, ना कि दूसरा रूप। जब हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं, यस नो क्वेश्चन बनाते हैं, तब हम लोग पहले डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड एंड देन ऑब्जेक्ट। सो ये स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस बनाने में। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस में वाक्य में
Did I sing a song? तो हम लोग did को पहले लिखे हैं helping verb did, उसके बाद subject I, उसके बाद first form the verb, क्रिया को पहले रूप and then object. So क्या मैंने एक गीत गाया? Second example, did you play cricket? So did helping verb you in the subject, play in the V1 and cricket in the object. So क्या तुमने क्रिकेट खेला? And at the end question mark. Third example, did Minnie write a letter? क्या मिनी एक खत लिखी? Did he kick you? क्या उसने तुमको लात मारा? Did we eat rice? क्या हम लोग खाना खाए? Did they go to market? क्या वे बाजार गए? और क्या वे लोग बाजार गए? तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस में प्रयोग करते हैं पास्ट सिंपल टेंस में. सो ये स्ट्रक्चर आप लोग को याद करना पड़ेगा. डिड देन सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया का पहला रूप एंड देन ऑब्जेक्ट. बस एक चीज दिमाग में रखना है, जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं तब सिंपल पास्ट टेंस में क्रिया का पहला रूप यूज करते हैं. तो स्पेशली हम लोग नकारात्मक सेंटेंस एंड क्वेश्चन सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं और क्रिया का पहला रूप यूज करते हैं. और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया का दूसरा रूप और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं. होप आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दिस एक्सप्लेनेशन आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा. और आपको समझ में आ गया है तो एक लाइक तो बनता है.